उस लड़के को ये नहीं पता था कि सत्संग का मतलब क्या होता है। एक लड़का ऐसे ही हॉस्टल में पढ़ता था, उसकी माँ ने फोन किया, बाबू दूर दूर से साहब आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, गांव में सत्संग हो रहा है, 4 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ, सत्संग सुन लो। लड़का सत्संग में आया घर, दूसरे दिन जैसे सत्संग शुरू हुआ तो सोचा कि आज तो पहला दिन है, बहुत आदमी अगर 3 दिन का सत्संग है ना तो 3ों दिन नहीं जाएगा, पहला दिन तो छोड़ ही देगा, कहेगा शुरू बात है, दूसरे दिन कब जाएगा, पहले सत्र में नहीं दूसरे सत्र में, और तीसरे दिन सोचता कि 3ों सत्र हम सुन लें। इसी प्रकार जीवन की 3 अवस्था होती, पहला हो गया बचपना, दूसरी जवानी, तीसरा बुढ़ापा। बचपना कहता है कि अभी तो हमारा खेलने का दिन है, पहला दिन कौन सत्संग में जाता है, ये बचपना खेल खेल में बीत जाता है। जवानी में आदमी थोड़ा मोड़ा सुनता है, जवानों को देखिए कभी बैठ के नहीं सुनेगा, वो खड़े खड़े ही सुनेगा, क्योंकि थोड़ा सुनना होता है, मन लगा तो सुन ले, नहीं मन लगा तो चले जाएंगे बाहर की बाहर। अब बूढ़े आदमी पूरा बैठ के सुनते हैं, लेकिन समय ओवर, टाइम ओवर, खत्म, अर्थात बुढ़ापे में समझ आ जाती है, जाग जाता है आदमी, लेकिन समय नहीं होता। कहते हैं कि बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में भक्ति ना किया तो जीवन बेकार है। जवानों को जोश होता है पर होश नहीं होता, जवानों को जोश होता है, खून खून जो होता है गर्म होता है, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा नहीं, जवानों के ही मेहनत का फल है, कुछ बुजुर्गों ने साथ दिया, लेकिन सब जवान युवक मिलके इस कार्यक्रम को विशाल बना दिया। इन लोगों के पास पावर होता है, शक्ति होती है, ये चाहे तो तूफान के रुख को मोड़ सकते हैं, ये चाहे तो आकाश के तारे तोड़ के ला सकते हैं, इनके अंदर में ताकत होती है। जवानी में जोश होता पर होश नहीं रहता, जितनी गड़बड़ी होती है जवानी में ही होता, बुढ़ापे में तो बहुत कम होता है, 10%। जितना फिसलने का बिगड़ने का चांस होता है जवानी में ही होता है, और जितना भी महान बनने का चांस होता है जवानी में ही होता है, बुढ़ापे में तो कुछ होता नहीं है, जो किए हैं उसी का गुणगान गाते रहिए। तो लड़का ने सोचा आज तो फर्स्ट दिन है, सेकंड दिन चलेंगे, दूसरे दिन जाने को सोचा तो मन अलसा गया, हो अभी से सुबह से बैठे बैठे 4 बजे जाएंगे, 4 बजे जाने के लिए जैसे निकला तो दोस्त यार मिल गए, कहा बहुत दिन में आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहा सत्संग में जा रहे हैं। दोस्तों ने हंसा कि ये कोई उम्र है सत्संग करने की, सत्संग में तो सब बूढ़े बूढ़े दादी मम्मी पापा ये सब जाते, हम लोग तो अभी जवान है, अभी हम लोगों के सत्संग करने के दिन नहीं, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है, चलो बैठ के थोड़ा टाइम पास करते हैं। 4-5 दोस्त मिले, पुला के ऊपर बैठ गए, इधर उधर की हांकते हांकते सत्संग खत्म। तीसरा दिन आखिरी दिन था, सत्संग में जब जाने के लिए तैयार हुआ तो फिर दोस्त यार मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो, कहा सत्संग में, कहा फिर बूढ़ो जैसा काम कर रहे आप, ये बूढ़े लोगों का काम है सत्संग में जाना, क्या सत्संग सत्संग है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है बरसो, अभी क्या जल्दी पड़ी, अभी तो कई वर्ष पड़े हुए। कहा माँ ने छुट्टी लेके मंगाया है 3 दिन के लिए सत्संग सुनने के लिए, नहीं जाएंगे तो माँ चिल्लाएगी, थोड़ा तो सुन ले, कहा अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो 2 बज रहा है, अभी तो स्तुति विनती शुरू हुई है, लास्ट में चले जाना गुरु महाराज का सत्संग सुन के आ जाना। लड़का आखिरी आखिरी में सत्संग का पंडाल तक जब तक गया तो इधर आरती लग के प्रसाद बट रहा था, लड़का ने सोचा आज तो माँ से डांट पड़ेगी, अगर माँ पूछ ली कि बेटा सत्संग में गया था, अगर हम झूठ भी बोल दें कि हाँ गए थे तो पूछ लेगी तो बाबा ने क्या सुनाया तो क्या बताएंगे, तो सोचे कम से कम झूठ भी ना पकड़ाए तो चलिए बाबा से ही पूछ लेते हैं कि बाबा सत्संग में क्या क्या सुनाए आपने, 60 में पूछ लेते। प्रसाद लेके सब लोग अपने अपने घर पंडाल से बाहर जा रहे थे, और जो गुरु महाराज आए थे प्रवचन करने वो भी अपने आसन में जा रहे थे, लड़का दौड़े दौड़े गया, कहा बाबा आप ही प्रवचन कर रहे थे, कहा हाँ बाबू हम ही प्रवचन कर रहे थे।
कहा आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। शॉर्ट में और स्वीट शब्दों में ये बताइए कि सत्संग का मतलब क्या होता है। बाबा ने सोचा शॉर्ट और स्वीट शब्दों में क्या बोले हम सत्संग का मतलब। समय इनके पास भी नहीं, समय हमारे पास भी नहीं। बाबा ने कहा बेटा सत्संग का मतलब ब्यूटी पार्लर होता, ब्यूटी पार्लर। लड़का को लगा कि बाबा लगता है थोड़ा पागल है। सत्संग का मतलब कोई ब्यूटी पार्लर होगा कि बाबा बोल के अपने आसन में चले गए, लड़का पीछे पीछे गया। कहा बाबा समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपके ब्यूटी पार्लर में तो देखे किसी का बाल सफेद हो गया, किसी का दांत झड़ गया है। अरे ब्यूटी पार्लर में तो लोग जवान जवान जाते हैं, 30 साल के 25 साल के 40 साल के, बेटी हो चाहे बेटा। आजकल बेटा को भी ब्यूटी पार्लर होता है, जेंट्स ब्यूटी पार्लर। पहले केवल लेडीज बस सजने सवरने में आगे मानी जाती थी कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती, लेडीज ब्यूटी पार्लर होता था। आजकल ऐसा नहीं होता, फारबिसगंज में देखिए कहीं कहीं लिखा होगा जेंट्स ब्यूटी पार्लर। लड़के ने कहा बाबा ये कौन ब्यूटी पार्लर है, सत्संग का मतलब ब्यूटी पार्लर, इसमें तो सब बूढ़े बूढ़े दिख रहे थे। कहा ये ऐसे ही ब्यूटी पार्लर है। तो बोले कि सत्संग का मतलब ब्यूटी पार्लर कैसे हुआ। बाबा ने कहा कि जहाँ चेहरे को सजाया जाता है वो भौतिक ब्यूटी पार्लर का कहलाता है, जहाँ भौतिक शरीर को सजाया सवारा जाता है। और ये सत्संग एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है, जिसमें चेहरे को नहीं चरित्र को सजाया जाता है, जिसमें रूप को नहीं अंदर के स्वरूप को सजाया जाता है, जिसे सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर कहते हैं। ये आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है। और इस ब्यूटी पार्लर में जो सज और सवर जाता है वो अमर हो जाता है, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। जैसे सबरी सुंदर थी देखने में, सबरी सुंदर नहीं थी पर रामचरितमानस में उसका वर्णन बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, सुनहरे अक्षर में लिखा गया। कौन ब्यूटी पार्लर में गई थी। आज हम इतना चेहरा को सजाते हैं फिर भी कहीं नाम नहीं होता है। आज सबरी कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं गई फिर भी उसका नाम अमर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने रूप को नहीं अंदर के स्वरूप को सजाया था, उसने चेहरा को नहीं सजाया था, अंदर के चरित्र को सजाया था। और भगवान है, परमात्मा है, ये बाहर के खोल को नहीं देखता। इसके अंदर में जो हमारा हृदय है, अंतःकरण है, मन है, इसी को देखता है। इसलिए हम अपने मन को सुंदर बनाएं, हृदय को निर्मल बनाएं, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार तन से नहीं होता, चेहरे से नहीं होता है, मन की निर्मलता और पवित्रता पर होता है। इसलिए सत्संग भी एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पर आकर आदमी अमर हो जाता है, सदा सदा के लिए सुंदर हो जाता है। सुंदर सुंदर मतलब सु मतलब अच्छा, और अंदर मतलब भीतर से, जो भीतर से अच्छा हो वो सुंदर है। इसलिए सत्संग की पावन गंगा में हम दो दिन, आज का दिन तो बीत ही गया, अब कल दो सत्र बचा हुआ है। उसमें विशेष महिलाओं के लिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया जाता है कि साहेब जी आप अपने विभाग को संभालिए, आप अपने विभाग को संभालिए, महिलाओं के लिए कुछ बोलिए। तो कल दो दिन बचा हुआ है, एक दिन बचा हुआ, दो सत्र सुबह और शाम। अभी का समय तो मेरा समाप्ति पे है, 5 बजने वाला है, बज गया है। तो यही निवेदन करूंगी कि सत्संग एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है, जिस देवी का हम पूजा करते हैं, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, जिस भी देवी का पूजा करते हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है, काश हम उस देवी का आदर्श जीवन में अपनाएं तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। पूजा करते हैं हम देवी का और आदर्श अपनाते हैं श्री देवी का, कल्याण होगा। हम आचरण किसका करते, चरित्र किसका करते, नकल किसका करते हैं।
जिसकी पूजा करते हैं हम उसकी नकल करें। पूजा करते हम राम का और आदर्श अपनाते सलमान खान का, जीवन का कल्याण होगा। जिसकी हम पूजा करते हैं काश उसका आदर्श, उसका चरित्र थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में अपनाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। सत्संग यही सिखाता है। समय मेरा पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।